डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी आज तक ने बातचीत की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंदौली के सैयद राजा में जो घटना हुई है और परिवार वालों का आरोप है, इनसे पूछते हैं कि जी सर किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना। उसमें रिपोर्ट दर्ज हो गई है और रिपोर्ट दर्ज करके उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी चोट के निशान औरत के उस महिला के ऊपर लगे हैं, किस तरह देख रहे हैं? नहीं, जो भी घटना है उसमें मैंने कहा रिपोर्ट दर्ज हो गई है, एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन यह घटना दुखद बीच में घटी है उस पर रिपोर्ट दर्ज है, जांच होगी, जो जांच में दोषी पाया जाए कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी तरह के मुआवजा या किसी तरह के हर्जाने की बात? अभी तो पहले जांच होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। ये बताइए कि अखिलेश यादव डायरेक्ट, अखिलेश यादव सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि हत्यारोपी हो गई, हत्यारी हो गई यूपी की पुलिस, जवाब देंगे अभी आपको।